नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नो मैक डे पर छात्रों ने की खूब मस्ती, बोगस वोटिंग रोकने के लिए तैयार हुआ सॉफ्टवेयर। जरूरतमंदों को रक्तदान देती है ये 500 युवाओं की टोली। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मॉपअप राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें आज से। शमी की जगह उमरान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला मौका। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वोगस वोटिंग रोकने के लिए तैयार हुआ सॉफ्टवेयर। चुनाव निर्वाचन आयोग ने वोगस वोटिंग को खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। दरअसल बूथ पर मतदान करने पहुंचे मतदाता का सत्यापन फोटो से किया जाएगा। यदि मतदान करने पहुंचे व्यक्ति की तस्वीर मतदाता सूची की तस्वीर से नहीं मिली तो उसे मतदान करने नहीं दिया जाएगा। इसी के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग ने नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका ट्रायल अगले हफ्ते कराया जाएगा, जहां अगले हफ्ते साहेबगंज प्रखंड के हलीमपुर में पंचायत चुनाव होना है। इसी पंचायत चुनाव में ये ट्रायल किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद इसका इस्तेमाल आगामी निकाय चुनाव में भी किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आने वाले समय में चुनाव के दौरान वोगस वोटिंग की संभावना कम होगी। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मॉपअप राउंड का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें आज से। बिहार के मेडिकल, डेंटल और वेटनरी कॉलेजों में सेकेंड राउंड एडमिशन के बाद भी सीटें खाली रह गई हैं। इन खाली सीटों पर एडमिशन के लिए फ्रेश आवेदन मांगे गए हैं। नीट यूजी 2022 में सफल स्टूडेंट्स जो अब तक रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं, वे फ्रेश रजिस्ट्रेशन आज से करवा सकते हैं। इन खाली सीटों पर एडमिशन के लिए BCECEB ने मॉपअप राउंड के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का लिंक शनिवार यानी आज से एक्टिव कर दिया है। इच्छुक विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग 2022 के तहत स्टूडेंट्स मॉपअप राउंड में शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर है। मॉपअप राउंड का मेरिट लिस्ट 13 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। वहीं एडमिशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 15 दिसंबर को होगा। फीस और अमाउंट का भुगतान 18 दिसंबर तक कर सकते हैं। 6 गोल्ड मेडल जीतकर आई कीर्ति के लिए उनके कोच ने बेच दी थी क्रॉस ट्रेनर मशीन। बिहार के पहले महिला पावर लिफ्टर कीर्तिराज सिंह न्यूजीलैंड से एक नहीं बल्कि 6 गोल्ड मेडल जीतकर वापस बिहार की राजधानी पटना पहुंच गई हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। न्यूजीलैंड में सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उन्होंने 6 गोल्ड जीते हैं। पटना पहुंचने के बाद वह सबसे पहले अपने जिम में गई, जहां वो पावर लिफ्टिंग की तैयारी किया करती थी। कीर्ति ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच करण कुमार और माता पिता को दिया है। यहां तक पहुंचने की अपनी संघर्ष के सवाल पर कीर्ति ने कहा कि मेरे लिए तो संघर्ष रहा ही, मेरे से ज्यादा संघर्ष मेरे कोच, पिता और भाई ने किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स न्यूजीलैंड जाने के लिए करीब 3,23,000 खर्च हुए हैं। इस राशि को जुटाने के लिए मेरे पिताजी बहुत लोगों के पास गए, यहां तक कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से भी कोई मदद नहीं मिली। फिर मेरे कोच ने अपने जिम से क्रॉस ट्रेनर मशीन तक बेच दी। नो बैग डे पर छात्रों ने की खूब मस्ती। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में लागू हुए नो बैग डे पर बच्चों को बेहद ही खुश देखा गया। आज शनिवार का दिन है और बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में नो बैग डे रहा, जहां बच्चे बिना अपने बस्ते के बोझ के स्कूल पहुंचे और जमकर मस्तियां की। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चे को सप्ताह में कम से कम एक दिन स्कूल के भारी भरकम किताबों से दूर खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शनिवार को पटना स्थित बालक मध्य विद्यालय शरीफागंज के सैकड़ों छात्र गंगा नदी की रेत पर खेलकूद के लिए पहुंचे। किताबों से दूर बच्चों ने इस दौरान खूब मस्ती की, वहीं उनके साथ शिक्षकों ने भी इसका भरपूर आनंद उठाया। जरूरतमंदों को रक्तदान देती है ये 500 युवाओं की टोली। इस मतलबी दुनिया में आज भी कुछ लोग हैं जो जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करके दिखाया है फुलवारी शरीफ के युवाओं ने। फुलवारी शरीफ के 500 युवाओं की ऐसी टोली है जो रक्तदान कर दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। यही नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाले यह साधारण से युवा असाधारण काम कर अभी तक तकरीबन 5,000 लोगों को निस्वार्थ अपना खून दे चुके हैं और उनकी मदद कर चुके। दरअसल दूसरे राज्य या बिहार से ही अलग अलग जिलों से आए लोग ब्लड के लिए परेशान होते थे। ऐसे में लोगों की सेवा के लिए इन लोगों ने 6 लोगों की टीम बनाई और फिर 2017 में यूनाइटेड ब्लड बैंक सोसाइटी बनाया और फिर इनका कारवा बढ़ता चला गया। युवाओं का कहना है कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग तो मदद करने का एक जरिया है।
आज थम जाएगा कुढ़नी में प्रचार प्रसार का शोर। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन तमाम दलों की ओर से जोर शोर से आजमाइश की जा रही है। अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए समर्थक और नेताओं ने खूब जोर लगाया। भाजपा और जदयू उम्मीदवार के बीच यहां मुख्य मुकाबला देखा जाएगा, लेकिन यहां पर और भी अन्य पार्टी जैसे AIMIM और VIP ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जीत दर्ज करने का दावा किया है। बताते चले कि कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है, जहां 8 दिसंबर को फैसला आ जाएगा कि यह सीट किसके पाले में गई है। फिलहाल मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जमकर पलायन कर रहे हैं बिहारी। जानकारों की माने तो बिहार में पलायन बड़ी समस्याओं में से एक है। बिहार से देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी लोग पलायन कर रहे हैं, यह पता चलता है। बिहार में हर महीने बनने वाले पासपोर्ट के माध्यम से यहां से यह पता चला है कि जहां कोरोना काल से पहले बिहार में 24 से 25 हजार पासपोर्ट बनते थे, कोरोना काल के बाद से यहां 37 हजार से अधिक पासपोर्ट बनने लगे हैं, जिसमें से टॉप पर 3 जिला सिवान, गोपालगंज और पटना। यहां के लोग विदेश सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल 2020 के आंकड़ों की बात करें तो इस समय बिहार में पासपोर्ट बनाने की संख्या 15,000 पर आ गई थी। वहीं इससे पहले 2019 में इसकी संख्या 26,000 के आसपास थी। वहीं अभी की बात करें तो पासपोर्ट कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसकी संख्या 37,000 से अधिक हो गई है। भ्रष्ट इंजीनियर को निगरानी ब्यूरो ने रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा। बिहार में अवैध तरीके से पैसे खाए धन कुबेरों पर सरकार की निगाहें हमेशा से टिकी हुई हैं। इसके बावजूद भी भ्रष्ट अफसर इससे बाज नहीं आ रहे। हालांकि इन लोगों पर शिकंजा कसने का काम शुरू है। इसी कड़ी में एक ऐसे ही धन कुबेर अभियंता पर निगरानी विभाग ने शिकंजा कसा है। दरअसल बीते दिन देर रात निगरानी ब्यूरो की टीम ने भ्रष्ट धन कुबेर अभियंता संजीत कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले उन्हें 2 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भ्रष्ट अभियंता ने ठेकेदार से 6 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, लेकिन सौदा 2 लाख में हो गया था। इसके बाद निगरानी विभाग ने संजीत कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। इंजीनियर के फ्लैट में मिले 2 बैग को खोला गया तो छापेमारी टीम अवाक रह गई। दोनों बैग में 2,000 और 500 के नोट ठूस ठूस कर रखे गए थे। संजीत कुमार राजधानी पटना में भवन निर्माण विभाग सेंट्रल डिविजन के कार्यपालक अभियंता है। बिहार में सिर्फ 1.5% बिना माँ के पिता के साथ रहते हैं बच्चे। राष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कराए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वर्ष 2019-21 की जारी रिपोर्ट में अनाथपन की स्थिति के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें पता चला है कि बिहार में 18 वर्ष से कम आयु के 82% ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के साथ ही रहते हैं। अनाथपन की स्थिति को देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर 3% बच्चे अनाथपन के साथ रह रहे हैं, जबकि बिहार में 3.6% बच्चे अनाथपन के साथ रहते हैं। अनाथपन वाले बच्चे माता पिता के जीवित रहने के बाद भी किसी के साथ नहीं रहते हैं। बिहार में सिर्फ 1.5% बच्चे ही अपने पिता के साथ रहते हैं। इसमें 0.5% बच्चों की मां जीवित है, जबकि 1.1% बच्चों की मां के निधन के बाद भी पिता के साथ रह रहे हैं। सीएम उद्यमी योजना में ऐसे करें आवेदन। बिहार में उद्यमी योजना के आवेदन की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 31 दिसंबर तक की जा सकती है। बता दें कि उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उद्यमी योजना में सरकार की ओर से 10 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपये बतौर ऋण और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इससे जुड़ी सारी जानकारी उद्योग विभाग बिहार के वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने होंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तक होनी चाहिए, लेकिन ये सभी आयु वर्ग के लोग 12वीं पास होने चाहिए। बिहार ने दूसरे दिन ही मेघालय को पारी और 197 रनों से हराया। बिहार ने 4 दिवसीय विजय मर्चेंट्स ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले के दूसरे दिन मेघालय पर पारी और 197 रन से जीत दर्ज कर ली है। बड़ोदरा के SGSA क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मुकाबले में बिहार ने खेल के दूसरे दिन 210 रन से आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी में 77.1 यानी कि 77 ओवर 1 गेंद में 359 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी मेघालय की पूरी टीम दूसरी पारी में भी महज 38 ओवर 1 गेंद में 72 रन पर ढेर हो गई।
बता दें कि मेघालय पहली पारी में भी खेल के पहले दिन ही 90 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बिहार की तरफ से खेलते हुए अगस्त्य ने सबसे अधिक 90 रन बनाए, वहीं जीजे ठाकुरिया ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए। आज सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीते दिन 2 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गए हैं, वहीं आज वो सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि 5 दिसंबर को लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की तिथि निर्धारित है। वहीं दिल्ली रवाना होने के दौरान तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पर भाजपा पर जमकर हमला बोला, साथ ही उन्होंने कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कुढ़नी में प्रचार के दौरान लालू कार्ड खेला था, जिसमें उन्होंने जनता से कहा था कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं, ऑपरेशन के बाद जब पापा की आंखें खुलेंगी और पूछेंगे कि कुढ़नी में क्या हुआ तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब भीड़ से आवाज आई थी सब ठीक होगा। निकाय चुनाव को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला जुबानी हमला। बिहार में निकाय चुनाव का पेच फंसता ही जा रहा है, इस पर पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर हमलावर है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। भाजपा शुरू से ही नीतीश कुमार को इसका जिम्मेवार ठहरा रही है। इस बीच उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि पोल खुलने के डर से अति पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश को चुनौती देते हुए कहा कि सीएम नीतीश गारंटी दे कि निकाय चुनाव फिर स्थगित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं रहा, इसलिए राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान से संबंधित आधी अधूरी रिपोर्ट आनंद फानंद में तैयार कर ली। शमी की जगह उमरान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला मौका। तूफानी तेज गेंदबाज उमरान मलिक आगामी बांग्लादेश दौरे पर खेली जाने वाली वनडे सीरीज में मोहम्मद शमी की जगह लेंगे। रविवार 4 दिसंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। भारत की 17 सदस्यीय टीम में उमरान मलिक की एंट्री हुई है। दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोट लग गई थी और इसके बाद वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी बैंगलोर में BCCI की मेडिकल टीम की देखरेख में है। पेट्रोल डीजल के दामों में 2 दिनों से नहीं हुआ कोई बदलाव। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट की जारी किए गए। आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 2 दिनों से स्थिरता देखने को मिल रही है, जिसके बाद राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे, डीजल की कीमत 94 रुपये 4 पैसे है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 4 पैसे तो डीजल की कीमत 94 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 11 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 95 रुपये 76 पैसे है। तो वहीं भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर है तो वहीं डीजल की कीमत 94 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर निर्धारित है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत 95 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है मुटु रंगीला, मृत्युंजय कुमार, रंजीत कुमार, अखिलेश यादव, बिट्टू कुमार, अनवर करीम खान, नुनू कुमार, गोलू, गोपाल भगत, हितेश कुमार, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, घनश्याम कुमार चौधरी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नो बैग डे का पहल बच्चों के मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से कितना फायदेमंद है। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।